D-Boys! 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 एंड वी आर बैक YouTube चैनल टू फिल्मी फ्रेंड्स में स्वागत है दोस्तों आपका। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगेन एज ऑलवेज प्रेजेंटिंग टू यू रौनक सिंह जुनेजा एंड इक्षक मक्कर। तो इक्षक आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम घूम केतु एंड व्हाट आर द ऑड्स का मूवी रिव्यू देने वाले हैं। Yes, as promised, हम इन दोनों मूवीज को देख चुके हैं और आपके इनका रिव्यू लेके आए हैं ताकि इसमें टाइम इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता चल जाए whether to watch it or not. Okay. ठीक है भाई? बिल्कुल बिल्कुल। पहले किससे शुरू करना है? घूम केतु। चलो ठीक है। घूम केतु की स्टार कास्ट है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आपको पता ही होगा, एंड अनुराग कश्यप। इसके अलावा और भी दो तीन लोग हैं, प्लस स्पेशल अपीयरेंस में अमिताभ बच्चन है, रणवीर सिंह है, सोनाक्षी सिन्हा है और Z5 पे ये आई है। इसके बावजूद भी कोई भी इस पिक्चर को नहीं बचा सकता डूबने से। नहीं, मेरा दिमाग घूम गया। पिक्चर का नाम था घूम के तू, मेरा दिमाग घूम गया भैया। ये पिक्चर इतनी बड़ी सिरदर्द है। एक होती है पिक्चर आपको सुला देती है, एक आपको पका देती है, एक आपके सिर में दर्द कर देती है, तो ये तीसरी कैटेगरी को बिलोंग करती है। सिर मेरे हिसाब से तीनों कैटेगरी को बिलोंग करती है। सुला भी देती है, थका भी देती है। सुला भी देती है, बंद करने का मन कर जाता है, फिर बोलता चलो देख ही लेता, कंप्लीट कर लेता, इतना टाइम इन्वेस्ट हो गया। थोड़ी ना मूवी देखने से पुरानी भी लग रही थी, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये ना करीब 4-5 साल पहले बनी थी मेरे ख्याल से, मैंने पढ़ा भी है ये। मेरे सही कह रहे बिल्कुल, मेरे हिसाब से 2018 का कुछ है इसका रिलेशन। मेरे को लग रहा है उससे भी पुरानी है, 14-15 के करीब बनी है और इसको रिलीज नहीं मिला होगा तो इन्होंने इवेंचुअली वेब प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दी होगी। कसम से भाई, क्यों किया मेरे को ये पूछना उनसे? उनको भी नहीं पता, वो भी इसका आंसर ढूंढ रहे हैं। और मेरे को ये नहीं समझ आया अनुराग कश्यप भी क्या करना चाहते थे पिक्चर में। अनुराग कश्यप जब स्क्रीन पे आए एज ए डायरेक्टर वो चमके हैं, बट जब स्क्रीन पे आए एज एक्टर वो बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं और इस बार भी यही हुआ है। बिल्कुल। तो गाइस एक तो ना स्टोरी कहीं भी जा रही है, इतने ज्यादा फ्लैशबैक्स हैं और फास्ट फॉरवर्ड है, कब प्रेजेंट में है कब पास्ट में है, तो डायरेक्टर खुद ही कंफ्यूज है और उसके साथ ऑडियंस भी कंफ्यूज होती जा रही है। तो आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग फर्दर एंड आई स्ट्रॉन्गली Tell you to don't watch this movie. और एक और चीज, हर बारी लड़के का बाप जब भी पिक्चर में चीखता है तो कभी कभी आप सैड होते हो, कभी कभी आप कहते हो कि क्यों इतना चीख रहा है साला। यहाँ पे इतना टैलेंटेड बंदा जो चीखे जा रहे सिर दर्द कर दिया यार, कसम से। नहीं नहीं, ये पिक्चर नहीं बनी है। नहीं, ये पिक्चर बनी है अक्षक। मतलब कोई एडिटिंग की सेंस नहीं, कुछ नहीं भाई, सॉरी। मैं मतलब मेरे से गलत पलत निकल जाएगा, छोड़ दो ये पिक्चर ही, छोड़ दो। मतलब एक एडिटर का मतलब है घूम केतु का एडिटर तेरे से भी ज्यादा थका हुआ है कसम से। तो ऑडियंस को ये पिक्चर स्ट्रॉन्गली देखनी चाहिए तेरे हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल देखो, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, अपने 2 घंटे पूरे बर्बाद करो, टॉर्चर हो जाओ बिल्कुल। ओके कोई तो चीज देखो अच्छी लगी होगी, एक चीज यार चल ये तो एक अच्छी थी, ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल ही बेकार। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग। हाँ, सिद्दीकी साहब की एक्टिंग बस, मतलब जब वो एक्टिंग नहीं करने की कोशिश करते तो पिक्चर अच्छी होती है, इसमें करने की कोशिश करी है तो पिक्चर पिट गई है। हाँ, तो उन्हें नेचुरल रहना चाहिए आपके हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज आपको पता चल गया होगा 2-2.5 मिनट में हमने मूवी का रिव्यू आपको दे दिया है। इट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड एंड वी आर गोइंग विद 1 solo star ओनली फॉर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये भी नहीं कह सकते कि लॉकडाउन है तो देख लो, और कुछ है नहीं, लॉकडाउन भी खुल गया और इसके अलावा भी कई ऑप्शन है, बहुत है राइट। तो चॉइस इज योर्स एंड योर्स अलोन, आप डिसाइड कीजिए अपने लिए। Which brings us to the platform odds. बहुत लंबी दूरी तय करके अब हम Netflix पे पहुंच गए हैं। What are the odds का review करने में, इसकी आपको पहले स्टार कास्ट बता देता हूँ, थोड़े अजीब अजीब और लंबे लंबे नाम है। यशस्विनी दयामा जो फीमेल लीड है,
करणवीर मल्होत्रा जो मेल लीड हैं, अभय देओल एंड मनु ऋषि चड्ढा। और करणवीर मल्होत्रा को मैंने एक सिलेक्शन डे करके एक सीरीज आई थी उसमें देखा था, ही वॉज डिसेंट इन दैट सीरीज, और इसमें वो मेल लीड प्ले कर रहे हैं। तो मैं अगर अपना रिव्यू शेयर करूं तो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में ही मुझे रियलाइज हो गया था कि मैं गलत जगह बैठ गया हूं। मुझे इससे ज्यादा टाइम रियलाइज नहीं हुआ, मुझे 15 मिनट में समझ आ गई कि ये सीट पे मैं गलत बैठ गया हूं और ये मूवी शायद मेरे लिए नहीं है। ये प्योर स्लीपिंग पिल है। अगर जिन लोगों को नींद की दिक्कत है, लॉकडाउन में उनके स्लीपिंग पैटर्न खराब हो गए हैं, वो ये मूवी देख सकते हैं, क्योंकि मूवी ने मतलब आपका स्लीपिंग ऑर्डर को ये ठीक कर देगी। और मूवी एंगेजिंग ही नहीं है, मतलब आप जितना ध्यान लगाओ ना, चल अब मैं इसमें एंगेज होता हूँ, ये मूवी और उतना दूर जाती जाएगी कि हमसे एंगेज मत हो। तो कोई रीजन नहीं है मेरी तरफ से भी आपको इस मूवी का देखना। फिर को इसके हाँ बोल, इस मूवी में सबसे अच्छी चीज मेरे को जो लगी थी वो दादी की स्माइल जो वो जेब में लेके चला जाता पास। वो दादी वाला सीक्वेंस जो स्टार्टिंग में था, आई डोंट नो उसका क्या सेंस था, वो क्या मतलब वो करने की कोशिश कर रहे थे। और इतने टैलेंटेड एक्टर मनु ऋषि चड्ढा भी इसमें थे, वो भी दादी के साथ ही थे, और वो क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे ये वही जानते हैं, मेरी समझ से पार है। और रही बात एंगेजमेंट की, मैं अपना टैब भी चेक कर रहा था, मैं फेसबुक भी चेक कर रहा था, मैं दूसरा फोन भी चेक कर रहा था, मूवी बिल्कुल भी एंगेजिंग नहीं थी। रौनक एक बात बता, अभय देओल और पिक्चरों में क्यों नहीं आते हैं और कोई डायरेक्टर उनको क्यों नहीं ले रहा, जबकि वो बहुत अच्छे टैलेंटेड एक्टर है, वो नेचुरल एक्टिंग में अपनी ऑडियंस को पूरा मतलब एक एंटरटेनमेंट दे सकते हैं, क्यों नहीं आ रहे वो मूवीज में? यार रीजन मुझे भी नहीं पता। अगर पिछले 5 साल की बात करूं तो शायद अभय देओल की 1 या 2 मूवीज रिलीज होंगी, वो भी बहुत बड़े स्केल पे नहीं हुई है, वेब प्लेटफॉर्म पे ही हुई है। आई डोंट नो द रीजन कि क्यों इनको कोई ले नहीं रहा, या ये स्क्रिप्ट्स के टूवर्ड्स बहुत चूजी हो गए हैं, वी डोंट नो। बट अगर इस मूवी का 10-15 मिनट 20 मिनट का एक अच्छा पोर्शन था वो अभय देओल की एक्टिंग थी। जब वो स्क्रीन पे आते हैं उस टाइम पे आप थोड़े से मूवी में इंडल्ज हो जाते हो, एंड उस टाइम पे मूवी इंटरेस्टिंग लगती है सिर्फ उस 15-20 मिनट के लिए। वंस ही इज गॉन मूवी वैसी फ्लैट हो जाती है। तो मुझे इसका रीजन नहीं पता क्यों वो मूवी ज्यादा नहीं कर रहे, बट आई रियली लाइक हिम एज एन एक्टर। आई थिंक ही वाज फैबुलस इन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एज वेल एज देवडी, बहुत सारी मूवीज लकी लकी होए, ओए लकी लकी होए। तो और इनकी मोर स्टफ मनु ऋषि चड्ढा 6 feet, अच्छा सॉरी, बहुत अच्छी जोड़ी भी थी, मतलब ओए लकी लकी होए में कमाल एक्टिंग दोनों, मतलब आई रियली मिस अभय देओल एक एक्टिंग अगर आपको देखनी है तो आई मिस हिम। मैं भी आई आल्सो मिस हिम, बट कुछ कर नहीं सकते, वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। और एक और चीज, इस मूवी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने की क्या सेंस थी मुझे समझ नहीं आई आज तक, और ये क्या कन्वे करना चाह रही थी मुझे समझ नहीं आया। द ओनली गुड थिंग अबाउट द मूवी वाज अभय देओल एंड वो एक गिटार का लव सॉन्ग जो लड़की गाती है, इसके अलावा मूवी में और कुछ भी नहीं है। इसमें पूरी क्षमता है आपको जल्दी से जल्दी सुलाने। ठीक है, स्टार्स स्टार्स या स्टार्स हैं अभय देओल के 20 मिनट के रोल के लिए और वो गिटार सॉन्ग के लिए, म्यूजिक थोड़ा अच्छा है मूवी का, उसके लिए हम इसको देंगे 1.5 स्टार, ना ज्यादा ना कम। कैसे बनाऊं, नहीं बन सकता, छोड़ो ऐसे करते ऐसे कर, अरे ऐसे ऐसे इतने में समझने में ना 15 मिनट लग जाएंगे, हमने मुंह से बोल दिया स्क्रीन पे आ जाएगा, आ गया 1.5 स्टार्स। अपनी कारीगरी मत करो, ये मूवी नहीं डिजर्व करती। नेटफ्लिक्स तो ना वही बात है, ऊंची दुकान पीका पकवान, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म, कैसी कैसी मूवीज आ रही है मेरी समझ से बाहर। पर क्या करते, स्पेशली इंडियन कंटेंट वो प्राइम का ज्यादा अच्छा आ रहा है। 24 तारीख को एक और चीज आ रही है Netflix पे, देखते हैं वो अब इंडियन की कैसे होती है। Yes, time मिला तो हम उस पे पहले ट्रेलर रिएक्शन देंगे और फिर मूवी पे रिएक्ट करेंगे, और अगर टाइम नहीं मिला तो हम डायरेक्ट रिएक्शन देंगे। नहीं, उसका ट्रेलर रिएक्शन तो हो चुका है, बेताल आ रही है ना 24 को।
एक और भी तो आ रही है अनुराग कश्यप की, हाँ शूटर सीक्रेट, एक और आ रही है कुछ, एक अमेज़न पे भी आई है। चलो बट ठीक है, अब मैं ऑडियंस से गुजारिश करूंगा कि अपना टाइम जितना भी वेला टाइम हो तब भी उसको वेस्ट करते ना करें, धूमकेतु और व्हाट आर द ऑड्स को बटन ना क्लिक करें, हमारी वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब का क्लिक करते हैं, हम आपके 4 घंटे बचा देंगे। देखो दोनों मूवीज के मिला के 2.5 स्टार है, 2.5 स्टार वाली चीज भी नहीं देखनी चाहिए, ये तो 2.5 स्टार से भी कम है। और आप समझदार हैं, बाकी चॉइस आपकी है, क्योंकि अच्छा वेब प्लेटफॉर्म पे फायदा क्या है, आप बंद भी तो कर सकते हो पिक्चर तो, कई बार आप हॉल में स्टार्ट हो जाए तो नहीं निकल सकते, आप बैठना पड़ता है, कई बार फैमिली साथ होती है, यहाँ पे वो प्रिविलेज है, स्टार्ट करके आप बंद कर सकते हो, कर सकते हो, सही बात है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को आपने फॉलो करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, सोशल हैंडल्स पे फॉलो करना है, और अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना है। इसके बाद हमें बहुत सारे काम है तो इसके लिए हमें निकलना पड़ेगा, और जल्दी आपसे मुलाकात होगी, थोड़े से सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो तो आपका बहुत बहुत भला होगा। ओके अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।